यस बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर प्रशांत, पर मैं आपकी अंग्रेजी के कुछ बहुविकल्पी आज आपको मैं बता देता हूँ, और जो कि आपकी पुस्तक में जो दिए गए हैं है ना, उनकी संख्या 15 है। तो सबसे पहला जो है बहुविकल्पी है हॉर्स मैन बुक, हॉर्स मैन बुक, टेबल पेंसिल, हॉर्स मैन बुक टेबल पेंसिल ईईटीसी आर नॉन एज। इसमें क्या है, हॉर्स मैन बुक टेबल पेंसिल वगैरह वगैरह, ये जो चीजें हैं ये जानी जाती हैं कौन से नाम से, है ना। तो आपको पता है कि ये कौन से नाम से जानी जाती है, ये सब आपका क्या है, ये सब आपका क्या है, ये आपके सब, अगर वो पूछ बैठे कि ये कौन सा है कॉमन नाउन सेकंड पे प्रॉपर नाउन तीसरा जो है वो इलेक्टिव नाउन और इलेक्टिव नाउन के बाद पॉइंट नंबर 4 आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। है ना, तो इसमें क्या था, हॉर्स मैन बुक टेबल पेंसिल डीसी में से कौन सी, ये किससे जाने जाते हैं, तो इसका सही उत्तर है कॉमन नाउन। ये आपको कॉमन नाउन के नाम से, सिंपल जो नाउन होता है उसके नाम से ही ये सब जाने जाते हैं। सेकंड आपका जो है क्वेश्चन इसमें दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन है राधा जो BETER बेटर देन, राधा जो बेटर देन सीता, इन दिस सेंटेंस जो राधा इज बेटर देन सीता, राधा सीता से थोड़ी सी और अच्छी है, तो ये बात के मैं क्या है, ये बात के मैं क्या है आपका। तो इसमें है सबसे पहला है आपका पॉजिटिव आपकी डिग्री, पॉजिटिव पॉजिटिव डिग्री सुपर लेटिव डिग्री, है ना, सुपर लेटिव डिग्री, कंपरेटिव डिग्री और कंपरेटिव डिग्री के साथ में फोर्थ में है ए डबल एल ऑल ऑफ देम, मतलब सारी, है ना, ऑल ऑफ देम। तो राधा इज बेटर देन सीता इन दिस सेंटेंस, तो ये क्या है आपका कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव में क्या करते हैं कि हम सिंगल सिंगल कर्ता के बीच में हम उसको करते हैं, तो ये क्या है बेटर, बेटर क्या है जी डब्ल्यू डी की जे सेकंड वाली जो डिग्री है कंपैरेटिव डिग्री है, यानी कि हम इसमें तुलना कर रहे हैं। अगर यहां पर आती बेस्ट, राधा इज बेस्ट ऑफ ऑल मेंस एंड वुमेन, राधा सभी स्त्रियों और मियों में सबसे बढ़िया है, तो होती हमारी सुपर रिलेटिव डिग्री। लेकिन यहां पर हम कंपेयर कर रहे हैं, तो यहां पर आपकी कंपेरेटिव डिग्री वाला जो है उत्तर सही है। तो ये आपकी कौन सी डिग्री, सेकंड फॉर्म वाली है कंपेरेटिव डिग्री।
रहता है। नेक्स्ट द सेम और डाइन, द सेम और डाइन वर्ड आर कॉल्ड, जो शब्द कहे जाते हैं हम उनको क्या कहते हैं, द सेइंग और डाउन वर्ड्स आर कॉल्ड, है ना। तो वो क्या होते हैं कि हम जिनकी सहायता से गार करते हैं वो वर्ड कौन से होते हैं, तो उसमें क्या क्या लिखा है, नाउन सेकंड आंसर है इसमें, वर्ब तीसरा है, प्रोनाउन, और प्रोनाउन के बाद चौथा है एडजेक्टिव। तो हम जिनके बारे से अपनी बात को कहते हैं वो क्या होता है आपका, वो होती है वर्ब। द सेइंग और डाइंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, कि हम जो जो हमको बताते हैं कहते हैं सुनाते हैं तो वो आपके क्या होते हैं, वर्ब होती क्रिया, कि हम उसके बारे में जो हमें बताता है। फोर्थ आपका क्या है, फोर्थ बहु विकल्पी है, ऐसी एनिसिटी अलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस, कि जो इनमें से जो सही वाक्य हो वह आप उसको पहचाने। तो वाक्य कौन सा है, फर्स्ट वाक्य है द बुक इज ऑन द टेबल, सेकेंड वाक्य है द बॉय इज स्टैंडिंग द गेट, के बाद का जो वाक्य में देखते हैं तो क्या है, इसके बाद का तीसरा वाक्य है द सी ए डी कैट इज अंडर द टेबल, और वाक्य नंबर फोर्थ है ऑल ऑफ द A B O B E, मतलब चौथा है कि सभी, प्रोक्त में से सभी। तो जो वैसे जो सही वाक्य हो वह आप उसको बताइए कौन सा सही है, है ना। और ये आपको क्या समझ दिया गया, इसमें प्रीपोजिशंस के बारे में आपसे पूछा गया। तो पहला वाक्य कौन सा है, द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है, तो ये वाक्य भी आपका बिल्कुल सही है। सेकेंड वाक्य द बॉय इज स्टैंडिंग एट द गेट, ये बच्चा दरवाजे पर स्थित है, स्टैंडिंग है, तो ये वाक्य भी आपका बिल्कुल सही है। और द कैट इज अंडर द टेबल, कि जो बिल्ली है वह मेज के नीचे है, तो ये भी वाक्य आपका सही है। तो यहाँ पर सही प्रीपोजिशंस का प्रयोग किया गया है, तो ये सारे वाक्य सही है। इसका जो उत्तर है वो हुआ कौन सा, ऑल ऑफ द, यानी कि इसमें से सभी बिल्कुल सही है। अच्छा फिर आपका अगला क्या है, ये आपसे मैं पांचवा बहु विकल्पी आपसे मैं पूछता हूं,
है ना। पांचवा बहुविकल्पी क्या है आपका? पांचवा है व्हाट आर द CAUSES और पॉल्यूशन, पॉल्यूशन सबसे पहला क्या है? विद, सेकंड है ऑफ, तीसरा है आपका फॉर और होता है आपका आई एन इन। कि व्हाट आर द कॉज कि प्रदूषण का क्या कारण है, तो यहां पर आपको सही प्रीपोजिशंस इसमें बनाना है। तो यहां पर क्या है कि पर्यावरण का क्या कारण है, पर्यावरण का क्या कारण, क्योंकि पर्यावरण कभी साथ में नहीं होगा, के लिए नहीं होगा और मैं भी नहीं होगा, प्रदूषण आपका साथ नहीं होगा, के लिए नहीं होगा, मैं नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है कि आपका वह जो है प्रदूषण कैसे होगा? ऑफ। तो यहां पर जो सही उत्तर है वह है आपका ऑफ। यानी कि आज आपको मैंने पांच बहुविकल्पी बताए हैं बिल्कुल और सही डिस्क्राइबेशन के बाद। तो मैं एक काम करूंगा कि बाकी के जो 15 10 बचे हुए विकल्प ही आपको सेकंड डे आपको मैं बता दूं, ठीक है। और भी बच्चों टाइम भी हो चुका है, 3 भी बज चुके हैं। तो ये आपके आज बहुविकल्प ही मैंने कुछ बताए हैं, ठीक है। तो आप इनको आज देखिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो में आपके मैं जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि 11 को आपका एग्जाम है, तो 11 से पहले तक मैं आपको जो भी बना करके दे पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं बता पाऊँ, मैं पूरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा बच्चों। और बेस्ट ऑफ आपको है लक, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, मेरी आराधना यीशु कर से है, ठीक है। बाय बच्चों, मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार मिश्रा आज आपको इतना ही बताऊँगा। थैंक्स फॉर यू।